श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा हम लोग कौन से अध्याय पे थे? चौदहवें ना पंद्रहवां चौदहवां अध्याय ग्यारह नंबर श्लोक पंद्रमा अध्याय एकादश श्लोक यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त आत्मन्यवस्थितम् मन्यम् अवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत भासयेत अखिलम् यच्चन्द्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामा विश्य च भूतानि धाराम्यहम् ओजसा पुष्णामि च ओषधी सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मक रसात्मक अहम विश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च स्मृतिज्ञानमपोहनं वैदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरश्चक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्व अन्यः परमात्मेत्युदाहृत यो लोकात्रयम् आविश्य बीभर्तयव्ययेश्वर यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् क्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ एतद्बुद्धया बुद्धिम् अनस्या एतद्बुद्ध्या बुद्धिमानस्य मन्यस्य बुद्धिमान्यस्य अकृत्कृतश्च भारत अकृत्कृतश्च भारत ॐ तस्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णर्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशो अध्यायः कल सोलहवां अध्याय हुआ प्रभु जी जो हो रहा है ना उसको होने दो
बात यह है कि एक भी श्लोक का अर्थ नहीं कर पा रहे, और फिर नीचे तो लिखा ही हुआ सरल अर्थ, उसको तो कोई भी पढ़ सकता है। तुम किसी की श्लोक की गंभीरता में जाना तो जरूरी है, तो वो ही गए ही नहीं तो क्या फायदा। हम लोग 13वां अध्याय चल रहा था, बारहवें का आखिरी श्लोक चल रहे थे। भगवान कल हम श्रवण कर रहे थे ना, न हृष्टि न द्विष्टि न शोष्टि न कांक्षति, ये वाले 8 श्लोक हैं 13वें-12वें अध्याय के। भक्ति योग है ये, भक्ति योग का सिर्फ 20 श्लोक हैं, और उन 20 श्लोकों में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान न द्विजते च यत् हर्षामर्ष भयोर द्वेगेर मुक्तो स य स च मे प्रिय। भगवान का प्रिय बनना कोई आसान नहीं है, ये सब होना चाहिए, तो कौन सा जीव बनेगा भाई। इतने गुण तुमको चाहिए, पसंद इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इतना तो गुणी होना चाहिए। देखो ये पसंद नहीं है भगवान की, कितनी गुणी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारे मुख से भगवान का नाम भी नहीं आता। भगवान का नाम और भगवान साक्षात एक तत्व है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा ठीक, लेकिन वो हैं एक तत्व। हम नाम ले रहे हैं, पतित के मुख से नाम निकलता भी नहीं, फिर ये उनकी हेतु की करुणा है, कृपा है कि हमारे मुख से नाम निकल रहा है। परंतु जब तक ये गुण नहीं आएंगे तब तक वो हमारे प्रिय हैं, हम उनके प्यारे हैं, ये हमें समझ में नहीं। हम भले ही बोलते रहे वो मेरे प्रिय वो मेरे प्रिय, लेकिन वो मेरे प्रिय हैं, वो बोलने वाले वो तब बोलेंगे जब तुम उनके स्तर पे आ जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, वो 50वीं मंजिल के ऊपर कोई बैठा हुआ व्यक्ति, आ जा भाई आ जा, वो कहता मैं यहीं से भाव से सेवा कर रहा हूँ। हाँ ठीक है करी जा। अगर वो चाहे उनके पास में जाकर उनसे प्रेम का वार्तालाप करना, जब उनका प्रिय बनना, तो उनको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, जब ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा। तो ऊपर वाला नीचे बहुत बार आ चुका। कितनी बार इस संसार में भगवान आ चुके। दूसरे धर्म कहते हैं कि वो कभी नहीं आ सकते, क्या बोलेंगे। किसी को अज्ञानी बोलना भी गलत है, कहते वो नहीं आ सकते, वो सर्वशक्तिमान है,
वो उससे ऊपर कोई नहीं, जिसके ऊपर कोई नहीं वो यहाँ नहीं आ सकता, अज्ञानता है। क्यों नहीं जा सकता भाई? तुमने बैन कर रखा है उसको कि यहाँ नहीं आना, ये मेरी माया है, तो बैन किया हुआ भाई। राष्ट्रपति अगर जेल में गया तो वो कैदी हो गया। कमाल की बात है। खैर, तो भगवान का प्रिय बनने के लिए, भगवान का प्रिय हम हैं ये हम कैसे समझेंगे कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं? कैसे समझ? नहीं नहीं भगवान तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहा बाकी बिहारी जी आप मेरा दर्द ठीक कर दो, मैं ना आपके दर्शन के लिए आऊँगी। मेरा दर्द ठीक हो गया, वैसे बड़ा प्यार ठाकुर जी का। ये प्रेम नहीं है तो कैसे हुआ फिर चमत्कार जी? कैसे हो गया? हाँ वो ठीक है, जो चमत्कार हुआ वो तुम्हारे मन में कोई पहले कोई अपराध हुआ होगा बिहारी जी के प्रति या ठाकुर जी के किसी भक्त के प्रति, कि वो तुमने क्षमा याचना की। चलो मान लो 1%, 99% नहीं, 1% आदमी का वो रिएक्शन होता है। मांगने वाले तो 100% है, 100 लोग अगर हैं उनमें से एक का जो है मान लो पूरा होता है, तो वो अपने कर्मों के फल हैं या क्षमा याचना का प्रभाव है? समझ लगी? भगवान का प्रेम, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये शब्द भगवान के हैं, तो उसके लिए भगवान उनसे प्रेम करते जो ऐसे हैं। हम करते हैं अलग बात है, वो हमसे करते हैं ये अलग बात है। कहते अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो आकांक्षा रहित होकर बाहर भीतर से शुद्ध हो जाए, अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ की प्राप्ति की चाहत नहीं, ये हो ही नहीं पाता जी। किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई जरूरत जीव को रहती है, और जब तक रहेगी तब तक भगवत प्रिय नहीं है। ये बात लिख करके रख लो दिमाग में, सामने दीवार पे, कि मेरे से, मेरे को अगर किसी व्यक्ति से कोई कामना है, किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा की भाई इसको थोड़ा आया, इसको थोड़ा अच्छा, थोड़ा ट्रीट किया जाए, ये बंदा अच्छे पैसे दे सकता है, मंदिर बन सकता है, तो समझ लो आपका भगवान से प्रेम नहीं है। स्वाभाविक रूप से सबके प्रति अगर एक जैसा भाव है, चाहे वो आपका अनपेक्ष भाव है चाहे प्रीति युक्त भाव है, एक जैसा है तो अलग बात है, लेकिन एक के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, ये गलत है। मतलब ये हो नहीं सकता। तो कहो जी आपके मठों में तो हमने देखा जो लोग मंत्री वगैरह जो उनको बुलाते थे आप लोग, उनको तो घड़ों में प्रसाद देते थे, बड़ा स्पेशल उनको मंदिर के सामने माला फूल ये सब देते। आप क्या बात करते हो, आपके यहाँ पे तो बहुत ज्यादा देखा हमने। नहीं, उस चीज को भी समझ लो, बहुत क्लियर है, किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, जिसको 20 लाख आदमी ने सिलेक्ट किया है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो 20 लाख आदमियों का सिलेक्टेड व्यक्ति है। किसी एमपी को बुलाया या किसी प्रतिनिधि, अब उसको बुलाया किस लिए बुलाया, कि अगर ये समझ गया तो ये औरों को समझा सकता है। तो वो मॉनिटर को स्पेशल समझाना ये नहीं है कि बाकी बच्चों को सुनाया नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। मॉनिटर को बुला करके हाँ बेटा इधर आओ, वो जो थ्योरी है उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है इसका क्या जवाब है, वो जवाब दे रहा है, तो बाकी लोग ये सोचे, बाकी बच्चे ये सोचे मेरे को तो पूछे नहीं, मेरे को पढ़ने की जरूरत क्या, तो ये मूर्खता है। उनको विशेष सम्मान देकर के ही बुलाया गया कि आप आइए, अतिथि मुख्य अतिथि का आसन ग्रहण कीजिए, विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण कीजिए, आप स्पेशल गेस्ट आइए,
जिससे आप कथा सुनिए। अब जिसको बुलाया इस तरीके से गया उसका थोड़ा सम्मान करना कर्तव्य है, परंतु हमने अपने गुरुदेव को देखा वो जानबूझ के नहीं करते थे, दिखाने के लिए नहीं करते थे। अगर उनके पास में कोई फल दे रहे हैं तो कोई गरीब बच्चा दिख गया या कोई ऐसा दीनहीन दिख गया, आ जाओ, इतने लोग खड़े हैं लाइन में, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे सेठ लोग, उसको आ जा, ये ले 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 ले, उसको पहले देते हैं। ये क्या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, उस बच्चे के अंदर एक भाव आ जाए कि मेरे को ये प्रेम मिला, वो ऐसे भाव भी नहीं रखते, वो ऐसा भाव रख के देते भी नहीं, लेकिन ये एक भाव होता है कि उसको लगे मेरे को महाराज जी ने प्रेम किया, ओ उत्साह आसक्ति हो जाए भगवान से। बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, अपने आप समझेंगे, समझाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये अपना सारी जो प्रक्रिया है उन सभी को भगवान की तरफ लाने। हाँ, तो ये बात है। एक तरफ देखा गया कि उसको मंत्री को ज़्यादा महत्व दिया, जहाँ एक्स वाई जेड जो भी आया उसको महत्व दिया, गुरु महाराज जी ज़्यादा पसंद करते थे एडवोकेट्स को, और जो टीचर्स होते हैं उनको, एडवोकेट प्रिंसिपल इन लोगों को ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ते और पढ़ाते हैं, सुनते और सुनाते हैं। ये तो यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं रखी हमने, हमारे मैंने पूरे अपने 36 साल के मठवास में देखा, घर में भी हमने देखा, कभी किसी भी व्यक्ति विशेष से अपने मठ ने कोई अपेक्षा नहीं रखी कि आप आए हैं तो इस रोड के लिए आप जो है हम आपसे निवेदन करते कुछ अनुदान कीजिए, नेवर, कभी नहीं किया। ये होते अनपेक्षा। हमको भगवान से ही नहीं अपेक्षा भाई, भगवान से ही नहीं चाहत तो तुमसे काहे को रखेंगे। वो तो तैयार बैठे, उनकी वृद्धियां सिद्धियां अष्टनिधियां तैयार बैठे, इच्छा करें। हाँ, क्या 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 बोल रहे थे, मंदिर बनाना, लियो लियो, हम बोल ही नहीं रहे। अभी हमारे एक बच्चे ने बोला, महाराज जी प्लीज ऐसे तो बनेगा नहीं, आप कम से कम हमें परमिशन दे दो कि हम कुछ करें। मैंने कहा करो तुम जो करना करो। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नक्शा बनाया जाए जो डिस्प्ले किया जाए जिससे कि लोग कुछ सेवा करें अपना। मैं कहा ठीक है तुम लोग प्रयास करो, लेकिन अनपेक्ष भाव जो है जब तक नहीं होगा। और सब, और दूसरी बात है शुचि, पवित्र और दक्ष। दक्ष का दो अर्थ होते हैं, एक होता चतुर और दूसरा होता है परफेक्ट। बहुत अंतर है। दक्ष मतलब, चतुर का मतलब ये वो कपटी नहीं है, चतुर मतलब अपनी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका हो, मैं इनसे बात करूंगा मेरा इतना समय नष्ट होगा, तो उस समय ओ प्रभु जी हरे कृष्ण मेरा थोड़ा सा थोड़ी सी माला बाकी है, बात बात आता, ये दक्ष है। और क्या दिखाई दे रही चतुरता, दक्ष वही है जो चतुर है, बुद्धू दक्ष नहीं हो सकता। तो इसलिए उदासीन,
उदासीन का मतलब होता है कुछ बुरा हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, दोनों के प्रति उसका उदासीनता। ठीक है, संसार में ही हो रहा है, लेकिन भगवत राज्य में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको आनंद आता है। भगवत राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे दुख लगता है। भगवत राज्य का मतलब क्या है? ये संसार की मैनेजमेंट नहीं है ना, ना। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। इसमें आप किसी संस्था में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है तो आप भगवत मार्ग समझेंगे उसे, वो भगवत मार्ग नहीं है। समझे नहीं? इस संसार में जितनी भी बनी हुई संस्थाएं हैं, चाहे गोलोक धाम के नाम की संस्था क्यों ना हो, चाहे वृंदावन साक्षात वृंदावन क्यों ना हो। अब जैसे उदाहरण के लिए वो पीछे खबर आई ना, वो राधा कुंड में बच्चे को पटक के मार दिया, उसमें उदासीन होके बैठ जाए, नहीं चलेगा, वो तो बहुत बड़ा अन्याय है। परंतु संसार में शासन प्रशासन एक अलग चीज है, पर इसके प्रति अच्छे और बुरे के, संसार में हो रहे अच्छे और बुरे के प्रति उदासीन हो, परंतु भगवान के भजन में उदासीन हो जाए, भगवान की सेवा में उदासीन हो जाए, हरि नाम में उदासीन हो जाए, तिलक संध्या वंदन में उदासीन हो जाए, ठीक है हो जाना क्या, रोज रोज वही मंगला आरती, वही संध्या आरती, एक उदासीनता ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे उदासीन होगा तो उसे दक्ष नहीं कहेंगे, उदासीनता माया के प्रति, दक्ष इसके लिए। दक्ष उदासीन दोनों शब्दों को एक साथ रखा भगवान ने। क्या बोला? गायब हो गए थे। दक्ष और उदासीन दोनों शब्दों को भगवान ने एक साथ रखा। उदासीन हमें होना है हमारे प्रति हो रहे किसी अत्याचार के प्रति, हमारा आदर सत्कार हुआ नहीं हुआ, मान अपमान हुआ उसके प्रति उदासीन, संसार के प्रति मूल्य संस्कार संसार। और विशेष रूप से उदासीन होता है किसी भी पक्ष को ना ग्रहण करना, किसी के भी पक्ष को ना ग्रहण करना उदासीनता है। गुरुदेव को देखो, मालूम है ये गलत है ये सही है, ना उन्होंने सही को सही का पक्ष पकड़ा ना उन्होंने गलत के पक्ष को जो है किया, अपना कथा अपना कीर्तन बोल दिया निरपेक्ष हो करके, किसी का अपेक्षा नहीं की, निरपेक्ष होकर अपनी बात को बोल दिया, जिसने लेना लो नहीं लेना ना उसे। इनको बोल दिया कि निंदा करोगे तो भजन शून्य 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 हो जाएगा, उनको बोल दिया कि देखो अगर ऐसा, अलग से नहीं बोला कथा के माध्यम से, अगर ऐसा हम कर रहे तो हम कैसे साधु हैं। तो दोनों को गुरुदेव का एक जैसा उपदेश, ये है भगवान के प्रिय जनों के लक्षण। ठीक है, सर्व आरंभ परित्यागी, हाँ, गतव्यथा। गतव्यथा का मतलब होता है जितनी भी व्यथाएं हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, उसके खत्म हो गए होते हैं। अभी जो उदासीन रहेगा, जो दक्ष है भजन में, जो पवित्र है, अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं है, तो उसके दुख कहाँ से होगा? मैं तो हूं नहीं, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत हद तक जो है ये अवस्था आती है, कभी कभी विचलित हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, भगवान भी विचलित हो रहे हैं, सारे साधु भी विचलित होते हैं, वो क्षण भर की बात अलग है। विचलित होकर के रहना
ये बात है। विचलित होकर के रहना बहुत ज्यादा दुखदाई है। वह व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जो सुखी नहीं प्राप्त कर सकता वो आनंद कहां से कृष्ण प्राप्त करेगा, अथवा कृष्ण से कैसे स्वीकार करेंगे। एक बात समझने वाली है, ये ऐसे ही जैसे चंद्रयान यहां से छोड़ा गया तो कैसे छोड़ा गया, हाँ कैसे छोड़ा गया, नीचे आग लगाई, ठीक है, हाँ वो आग ही होती है, वो कोल्ड, वो आइस की तरह, वो उसका जो फ्यूल होता है वो होता है, उसको नीचे आग लगी, उठा बेचारा ऊपर गया, जाने के बाद जिसने उठाया उसी को छोड़ दिया। ये चंद्रयान है, जिसने उठाया उसको छोड़ना पड़ा। तो हमारा जो जितने लोगों का संग मिलकर के जो हम लोगों को किसी तरीके से ऊर्जा बनी, अब हम उस संग को पकड़ के ना बैठ जाएं। नहीं नहीं, मैं तो इस बैनर को, मैं इस व्यक्ति को, उसको ना पकड़ के बैठ जाएं। वो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा अगर तुमने आगे निकलना है तो। कोई लॉक अगर लगा रह गया ना उसमें, छूटने के समय लॉक लगा रह गया ना, तो वहीं ब्लास्ट हो जाए फिर दोबारा भी दोबारा आना जाना पड़ेगा। बात समझ आई कुछ क्या? हमारे को ऊर्जा, भगवान के भजन को करने की जो ऊर्जा मिल रही है, किन से मिल रही है? जिन वैष्णवों से मिल रही है, जिन संस्थाओं से मिल रही है, जिन व्यक्तियों से मिल रही है, वो सारी की सारी ऊर्जा छोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, मतलब छोड़ना नहीं है, वो धीरे धीरे जो जो साथ में रहेगा रहना ही है उसने, मगर एक समय ऐसा आएगा कि झटके से छोड़ना पड़ेगा। जैसे गुरु महाराज जी ने देखो झटके से 2013 में बोल दिया, जून में, हम गुरु जी ने सबके सामने ये बात को बोला, बड़ी जिम्मेवारी से बात बोल रहा हूं। गुरु जी कहते हैं हम तुम्हारे पास रहेगा, हम वो जो वही जाएगा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। मैं मुस्कुराते हुए, 5 जून की बात है, 4 और 5 जून की बात है, मैं सिर हिलाते हैं, हाँ जी हाँ जी महाराज, ठीक है ठीक है। फिर राधाकांत को पूछते हैं, हे तुम उसका घर गया? हाँ जी महाराज जी, आप 2011 में हमको लेके गए थे, दो साल पहले लेके गए थे, हम वहां रहे थे 5 दिन। हाँ हम वहां ही रहेगा, हमको ले चलो। मैंने हाँ जी महाराज जी। सेकेंड टाइम आया तब उन्होंने बोला चलो हमको लेके। जब मैं प्रणाम करने सुबह दोपहर को पहुंचा था, फिर शाम को कथा कीर्तन के बाद जब गया तब पब्लिक थी, तब सॉरी पब्लिक के बीच में गुरु जी ने बोला हमको लेकर चलो। मैं हाँ जी महाराज जी, प्रसाद दे दीजिए। तो लोगों को प्रसाद देने लग गए। अगले दिन जब मैंने आना था तो मैंने प्रणाम करके निवेदन किया, गुरु महाराज जी मैं प्रचार में जा रहा हूँ। गुरु कहते हमको लेके नहीं जाएगा, ले चलो। मतलब एक कितने दुख वाली बात होगी मेरे लिए कि गुरुदेव साक्षात बोल रहे हैं हमको लेके नहीं जाएगा, ले चलो। ये जो करुण भरी आवाज थी उसको मैंने दुर्भाग्य कहूँगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन में ना हुआ है ना होगा। मैंने कहा गुरु महाराज जी अभी अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। तो गुरु जी ने ऐसे किया,
नीचे बैठा था मैं, चुप हो गए गुरु जी। मैंने घुटने पे हाथ रख के बोला, जैसे ही मैं गया, टांडा प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम टांडा, तीसरे दिन मेरे पास, जैसे खत्म हुआ प्रोग्राम, हमारे बावन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं ऋषिकेश, चंडीगढ़ से ऋषिकेश दास, उनका फोन आया, महाराज जी गुरु जी मठ से चले गए। हैं गुरु जी मठ से चले गए, ये क्या बात कर रहे? कहते हाँ, मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा अरे गुरु जी ने मेरे को बोला था आने के, मतलब चलो लेके चलो। अरे ये क्या हो गया? गुवाहाटी चले, मतलब वहाँ से जा रहे हैं ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा में मठ में नहीं रहेंगे, रहेंगे गेस्ट हाउस में। अब इसमें ना इसको समझना, ये जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, भगवान के प्रिय जनों का ये स्थिति होती है, इसमें कहीं भी मन में कोई कलुषता मत लीजिए। कलुषता लोगे तो वो जो प्रिय वाली बात नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तुरंत मैंने फ्लाइट पकड़ी, गुवाहाटी पहुंचा। पता लगा कि गुरुजी मतलब एक रात पहले गुवाहाटी में आए और कहते चलो अभी चलो। अब महाराज जी रात हो गई, सुबह रात कैसे कटी वो जाने। सवेरे गुरुजी मठ से निकल पड़े, थोड़ा सा नाश्ता इतना सा किया, खाया नहीं, निकल पड़े। फिर बीच में थोड़ा सा रुकते हुए, जो भी ये दोपहर के समय की बात थी मेरे को जहाँ तक याद है, तो रास्ते में मैं मिला, मैंने प्रणाम किया, गुरु महाराज मैं आ गया। गुरु जी ने मेरे को अच्छे ढंग से नहीं देखा, जैसे मेरे को जैसे प्यार से देखते थे आज देखा नहीं। मैं तू बेवकूफ इंसान, मैं बोल रहा हूँ तेरे को चलने के लिए, तू लेके नहीं गया। अब मैं बोलना भी चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि अभी आवेश में है। वहाँ पहुँचे ग्वालपाड़ा बड़े मठ में, मूल ग्वालपाड़ा में 3 है स्थान, अभी तो 2 थे स्थान। एक तो गोकुल जो गुरुजी ने विदेशियों के लिए बनाया था, जो कि हमारे ग्रस्त भक्तों को उसमें गुरुदेव ने विशेष स्थान दिया था, और एक गेस्ट हाउस था। दोनों चैतन्य गौड़े मठ के अंदर नहीं है, दोनों अलग है। तो गुरु महाराज जी गोकुल तो वहाँ तो गए नहीं क्योंकि जन्म स्थान है, बड़े मठ में हैं। गुरु जी कहते चलो वहाँ रहेंगे गेस्ट हाउस में। महाराज जी वो तो अभी सेटिंग नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, घंटा 2 घंटे 4 घंटे गुरु जी इंतजार कर रहे, प्रसाद नहीं पा रहे, और हम लोग वहाँ जा करके सारी सेटिंग शूटिंग करने लगे, सफाइयाँ करें, ये करें, वो करें। अजय वहाँ से देखा कि सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत हो गया है, अब खाली मोटर लग जाए, पानी चढ़ा दें, इतना काम बाकी। वापस आए प्रसाद प्रसूद पाने के लिए, तो शायद प्रिंस ने बोला कि महाराज जी गुरु जी ने प्रसाद नहीं पाया। क्यों? कहते हम वहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। मैं ऐसा कैसे? मैं गुरु जी को प्रणाम किया, मैं गुरु महाराज जी आप प्रसाद पा लीजिए, हम वहाँ जाएगा। मैं कह अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ, सारी सेटिंग कर दूँ, वो पानी पुनी की व्यवस्था वहाँ थोड़ी नहीं है, वो ठीक कर देता हूँ, आप प्रसाद पा लीजिए। ऐह प्रसाद ले कर आओ, तो गुरु जी के लिए प्रसाद लिया। गुरु अच्छा ठीक है, तुम जा रहा है? मैं हाँ जी जा रहा हूँ, जाओ उसको ठीक करो। तो मैं भाग के गया, हमको रात लग गई, मेरे कल 2 बज गए, हमको करंट लाइट लुइट सब कुछ सारी व्यवस्था, तो पता ही नहीं, याद ही नहीं, 2 बार लगा ना, 1 बार लगा, लगा भी कि नहीं, करंट वरंट तो छोटी चीज़ें कभी याद नहीं रहती। तो बस वो तैयार किया और आ करके, अब कटा हुआ जैसा पेड़ होता है, धड़ाम करके गिर के सो गया। और मालूम पड़ा, जब मैं उठा मालूम पड़ा गुरुजी वहाँ चले गए। 5 बजे गुरुजी बोलते चलो, सोए नहीं सोए भगवान जाने, चलो। तो वहाँ चले गए,
अब ध्यान देना, क्या सर्व आरंभ परित्यागे, जितना कुछ आरंभ किया था, जितना कुछ बनाया था, परित्यागी, सबको परित्याग कर दिया, परिपूर्ण रूपेण त्याग परित्यागी। ये अगर भाव नहीं होगा ना, तो यो में भक्त समय प्रिया, जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है, ये नहीं हो सकता। सर्व आरंभ परित्याग, और गत व्यथा, उनको कोई व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैंने इतना किया था, मैं गुरु जी के स्थान से अलग कैसे हो जाऊं, मेरे गुरुदेव का मठ से मैं अलग कैसे हो जाऊं। बिल्कुल एक रत्ती भर भाव नहीं, क्योंकि मठ तो उनके हृदय में, गुरुदेव का स्थान तो उनके हृदय में, स्वयं वो आश्रम तो स्वयं है वो। अभी ऐसा लोगों का अज्ञानता है, कई लोग, अभी एक दूसरा प्रश्न बीच में आ गया, कई लोग जो हैं ऐसा अज्ञानता पूर्ण समझते हैं कि जो है अमुक व्यक्ति ने मठ छोड़ दिया, मठ मतलब मठ की शिक्षा दीक्षा, छोड़ना मठ छोड़ना होता है। कोई गृहस्थ व्यक्ति आया, उसने हरिनाम लिया, शिक्षा दीक्षा ली, घर में वापस चला गया, वो तो ठीक गुरु से जुड़ा हुआ है, समझे। और कोई मठ में आया, मठवासी बन गया, लाल कपड़े पहन लिए, संन्यास ले लिया, छोड़ करके चला गया, वो तो गुरु जी से जुड़ा हुआ है, उसने गुरु त्याग नहीं किया, उसने मठ का त्याग नहीं किया। अरे मूर्खो, परम गुरुदेव माधव गोस्वामी महाराज, शिला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभवपुरी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति शोध भक्ति सार गोस्वामी महाराज, कितने प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो कि मूल मठ से अलग हुए, उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ दिया, उन्होंने चैतन्य मठ छोड़ दिया, गौड़ी मठ छोड़ दिया, कितनी बड़ी बेवकूफी है जो इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। नहीं 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 समझे नहीं, वो संसार की दृष्टि से भी नहीं छोड़ा। एक बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अपने पिता की फर्म को उसने बढ़ाया, पिता ने बोला अलग नाम से कर, उसने अलग नाम से किया, पिता ही ने नामकरण किया, नामकरण पिता ने किया, अलग फर्म बना करके दी और पैसे दिए, पैसे के अलावा फर्म में जो प्राण हैं, उस फर्म के प्राण, जो मान लो, मैं सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं, वो जो बड़ी वाली मशीन है जो उस फर्म की लगने वाली, वो मशीन ही दे दी अपनी। अब बताओ ये क्या उसने बाप का त्याग कर दिया, जब बाप ने पुत्र का त्याग कर दिया, क्या उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया, कितनी बड़ी मूर्खता है। साक्षात गुरु महाराज जी ने अपने प्राणधन राधा गोकुला आनंद देव, उनकी सेवा हमें प्रदान की, और कहा कि भाई तुम जो है शरणागत भक्त के लिए ही भगवान आते हैं, भगवान इस जगत में विग्रह रूप से जो शरणागत है, निष्कपट और शरणागत है, उसी के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। जब ऐसे शब्द प्रयोग करके बोल रहे, तो उसको कैसे कह सकते हो कि वो उसने जो है गुरुदेव का त्याग कर दिया, कहते रहो हमारा क्या जा रहा, हम उदासीन है,
इसमें गतव्यथा जब तक नहीं होंगे, उदासीन हुए ठीक है, गतव्यथा नहीं होंगे, आपको दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि आप अंदर से गुरुदेव को समर्पित है। गतव्यथा तब होता है, गतव्यथा, व्यथा मतलब दुख, जिसका दूर हो जाए। तो आज तक 2007 से लेकर के अभी तक मैंने ये बात कहीं भी इस प्रकार से खोल करके नहीं बोली, स्पेशली ऑनलाइन तो कभी नहीं बोली। आज थोड़ा सा ऐसी एक भाव आया कि गुरुदेव ने सर्वारंभ परित्यागी वाली बात की तो वो करके दिखलाया, तभी वो प्रिय हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं इस बात को कि महाराज आप ये बोलते हैं कि बनेगा चले जाएंगे, ये कोई मतलब बनता है, इतना बनाया। इतना बनाया और ऐसे कैसे चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है फलाना ठिकाना। तो उसके लिए उदाहरण देने पड़ते हैं गुरुजनों के। रूप गोस्वामी ने क्या राधा गोविंद जी के मंदिर का डिजाइन करवाया होगा उस समय में, कितना बड़ा मंदिर बनाया, कहाँ रहे, रहे कहाँ पे। सनातन गोस्वामी इतना बड़ा ऊंचा मंदिर बना, रहे कहाँ पे, महंतों के रहे। सर्वारंभ परित्यागी, जिसको आरंभ किया है उसको छोड़ना है। ये चंद्रयान की तरह है, जिससे आरंभ हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यो में भक्त स मैं प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय। अब आप देखिए उसके साथ में चलते हुए जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरी बात थी, क्या थी, कि अंतिम समय में उसको सांस देने वाला जो तत्व था उसको भी अलग कर दिया। चंद्रयान जब यहां से तो गया, ऊपर जाके स्पीड उसकी हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की बन गई, चल रहा है कितने दिन, 41 दिन लगे चल रहा है आकाश में स्वतंत्र रूप से चल रहा है, ऐसे बढ़िया से चल रहा है। इधर उधर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गया काम से। तो चांद को भी अगर यान पसंद आया, चांद ने भी कहा कि मेरे को ये पसंद आ रहा है, वो जो परिक्रमा करता रह गया, जो उसके अनुसार चलता रह गया, जो उसके अनुसार चलता रह गया उसी को स्वीकार किया। और अगर पिछली बार थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, उसके अनुसार चल रहा था, मतलब फास्ट चल रहा था, लेकिन वो लैंडिंग सॉफ्ट नहीं कर पाया, मतलब थोड़ी जल्दी आ गया तो गायब ही हो गया, उसके अंदर कहाँ गया पता ही नहीं लगा, वो मलबा भी नहीं मिला पता है। तो कहने का मतलब, अभी वो जो छोड़ा नहीं, किसको ने छोड़ा, भगवान और भगवान की लीला उसके अंदर जुड़ गया जो व्यक्ति, जुड़ते जुड़ते अपनी जितनी सत्ता है, कितनी स्पीड से गया था, हजारों किलोमीटर की स्पीड से गया, सारी स्पीड खत्म कर दी। पहले तो स्पीड इसलिए बनानी पड़ती है, सर्वारंभ परित्यागी आरंभ करने के लिए इसलिए बनानी पड़ती, निकल ही नहीं पाएंगे, इतना आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण। पहले ऐसे थोड़ी पृथ्वी से निकले सीधा चांद पे, ना पहले पृथ्वी के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने सारे काटते काटते फिर उसकी ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, फिर जा करके वो उसके चक्कर काटते काटते कितने दिनों तक वो, इस तरीके से होता है। एक संसार का आप अनपेक्ष होंगे, इसके प्रति अपेक्षा रहित हो जाएंगे, अनपेक्ष का मतलब यही है ना, इसकी अपेक्षा रहित हो जाएंगे, तो
तो जैसे इसके अपेक्षा रहित होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जब तक है तब तक वो इंजन, तीन इंजन अलग अलग, वो जरूरत होती है ईंधन की। गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के बाद में फिर वो इंजन भारी हो जाता है, मतलब वो इंजन की जरूरत नहीं है, फिर उसको त्याग करना पड़ता है। लेकिन तब तक तो अनपेक्ष भाव से आपको निकलने का ही प्रयास करना चाहिए और फिर बिल्कुल एकदम दक्ष रहना चाहिए हमेशा। 24 घंटे 41 दिन 24 घंटे आंखें गड़ी हुई हैं, एक के बाद एक साइंटिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं कि कोई भी है ना, तो उसके साथ के जितने साथी हैं उनसे उदासीन होना पड़ेगा। ये उसका लेफ्ट वाला जो है सिलेंडर वो गिरा, धड़म चलो, दूसरे वाला कुछ आगे जाके गिरा, धड़म चलो वो तो ये गतव्य था, कोई डर नहीं। पहली बार में गिर गया, पिछली बार नहीं जा पाया दूसरे वाला, तो गतव्य था, डरो नहीं उसके लिए, दुख मत करो, फिर द्वारा आरंभ करो, सर्व आरंभ द्वारा करो, फिर परित्यागी हो जाओ, फिर छोड़ दो, तब चंद्रयान में पहुंचोगे, चंद्र के पास पहुंचोगे। बड़े सुंदर एक किसी ने फोटो बनाई थी मैंने शेर की, ये रक्षाबंधन आ रहा है तो धरती माता जो है लेकर के रक्षा चंद्रयान को चंद्र मामा के हाथों में बांधने के लिए जा रही, बड़ी प्यारा लगा। तो खैर जो ऐसे ही भक्त भगवान की जो एक प्रेम भरी वार्ता है तभी शुरू होती है, उससे पहले नहीं शुरू होती जब तक कि वो इन सब गुणों से गुणी ना हो जाए। अभी कहाँ, अभी तो चार हुए हैं, चार और बाकी हैं। देखो इसमें है जितने भी जीव हैं, भूत प्राणी हैं, किसी से द्वेष नहीं, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में समान क्षमावान, अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है, वो मेरा भक्त प्रिय है मुझे। अब देखिए इसमें शब्दों पे ध्यान देना होगा, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, दया है किसी कारण से नहीं है कि इस कारण से इस पे दया है। फिर आगे क्या, ममता रहित, एक तरफ सबका प्रेमी फिर ममता रहित, सबका प्रेमी होगा तो ममता रहित कैसे होगा, सबका सब प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं, मतलब वो किसी से द्वेष तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन उसका ऐसा स्वार्थ रहित उसका वो व्यवहार है कि उसका किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, किसी मेरा बोल करके ममता भी नहीं है, ममत्व का मतलब मेरा ऐसा भी नहीं। कहते जिससे कोई भी जीव उद्वेग नहीं प्राप्त होता और स्वयं भी किसी जीव को उद्वेग नहीं देता, किसी जीव के कारण उसको उद्वेग नहीं होता, ना कोई जीव उसे उद्वेग देता है, देता भी हो तो उसे नहीं लगता, हर्ष अमर्ष आनंद में और उसके विपरीत भय और उद्वेग से रहित जो है। इस प्रकार से फिर आज वाला जो था वो आज वाला अपने श्रवण किया, वंशक कृपा नाम भगवश। कल को 12वें अध्याय का 17वां 18वां 19वां